ये बता रहा हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से नहीं पाया तो वो समझेंगे भी नहीं, हमेशा कोसते रहेंगे, तू साले बर्बाद कर देता मैं। गैस शाम के 4 बज रहे हैं और इवनिंग जो भी हो, और लाइट जा चुकी है तो छत पे जा रहा हूँ वीडियो शूट करने के लिए। जहाँ पे होंगे वहाँ पे छत पे क्या होता है, एकदम शांति होती है, वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, घर वाले डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है गैस के, मैंने 3-4 वीडियो डाली हैं तो उनका कंक्लूजन बता देता हूँ मैं यूट्यूब पर कैसे आया हूँ काम करने। ये बता रहा हूँ कि ये शुरुआत कहाँ से होती, शुरुआत से शुरुआत करते हैं ठीक है। तो ये शुरुआत होती है बचपन से, मैं बचपन से बहुत ज़्यादा सपने देखने वाला लगा हूँ कि वो समझ रहे हो, बंगला ऐसी चीज़ें मैं देखने का शौक है, आईफोन सपने देखे थे बहुत सारे। और घर वाले हैं मिडिल क्लास जो रहते हैं ना, जो उनकी थॉट रहती है कि हमें 30-35 हज़ार रुपये मिल जाएँ या कमाने बहुत है। तो उस माहौल में मैं बड़ा हुआ, घर वालों को सपने बताए, हाँ ठीक है कर लियो मैं बिजनेस करूँगा पापा, मेरे को लगा बिजनेस बहुत पैसा है, बचपन से सोचता हूँ बिजनेस में बहुत पैसा है। घर वाले भी कहते थे हाँ कर लियो, यानी मुझे लगता था वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था यार बचपन में। तो मैं उसी माहौल में पढ़ा, बड़ा हुआ कि हाँ मेरे को बिजनेस करना है, मैं उस हिसाब से पढ़ा। तो यार 12th होती है मेरी, घर वाले बिल्कुल चेंज हो जाते हैं यार, जो होते हैं यार ये तो बात की बात है, अभी करेगा रिटायरमेंट हो गई हो, सरकारी नौकरी पे प्रैक्टिस करी हो और लगी हो, फिर रिटायर हो गई, जब करी हो बिजनेस। मैंने कहा यार मैं जो मेरी ड्रीम कार है, ड्रीम घर है, उसमें मैं अब रहता अच्छा लगूंगा या बुढ़ापे में जब रिटायर होके आऊँगा यार। तो वो नहीं समझे, फिर भी नहीं समझे। मैं 1.5 साल तक फिर मैं यूट्यूब पर काम किया, उस पर भी नहीं कुछ हुआ। मैं उनसे जिद की, रोआ बहुत जिद की, मैंने कोई फॉर्म नहीं भरा, कुछ नहीं किया, उनके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। तब हार के उन्होंने मेरे लिए एक शॉप क्रिएट की, वो भी मेरे कहने से नहीं हुई, मैं तो कुछ और प्लान कर रहा था, मैंने चलो शॉप खुलानी थी, ये करवा दो, ये पार्ट टाइम काम होता रहेगा, फिर भी उनने बात नहीं मानी। फिर मैंने ये कर दो, उन्होंने कोई बात नहीं मानी। बड़े ताऊजी के लड़के थे, उनने सलाह दी कि इलेक्ट्रिकल्स की शॉप खोल ले, तो उनकी सलाह से मैंने इलेक्ट्रिकल्स की शॉप ओपन कर ली। भाई गॉड की गिफ्टेड है या पता नहीं कैसे, बट मैडम भैया इतने तगड़े तगड़े सपने आ जाते हैं, सपने दूसरी बात प्लान से कोई भी काम हो उसको मैं करोड़ों तक पहुंचा देता हूँ, और ऐसे नहीं कि हवा में ही, विद फुल प्लानिंग विद फुल प्रूफ्स। तो भाई अब ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ, 1 साल में मैंने इसको एनालिटिक्स किया कि ये बिजनेस क्या है, इसको हम करें तो आगे करोड़ों में कैसे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पूरा प्लान अप कर लिया, पूरा सेट है, फील्डिंग बैठा रखी है, आगे पूरा प्लान सेट है, सब कुछ सेट है। और बहुत शौक पूरे किए अपने, जो देखे थे क्या ये हो, छोटे छोटे शौक थे वो सारे पूरे कर लिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब यहाँ से आगे बड़े शौक की बारी आ गई, आईफोन और बॉडी बिल्डिंग होगी, बॉडी होगी, अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, जैसे समझ लो रोज नए कपड़े से, एक वार्ड रूम होगा उसमें वॉचेस, ये सारे सपने पूरे होने की नंबर आ गया। जो भी लाइफ में चेंजेस आते जा रहे हैं वो आप देख सकें, इसलिए मैं वीडियोस में रेगुलर आ रहा हूँ। मेन चीज़ मैं आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करूँगा साथ ही साथ में, और फिटनेस करेंगे, जिम करेंगे, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज, टिप्स, ये सारी चीज़ें मैं देता रहूँगा बीच बीच में, बिकॉज मैं फिटनेस पर ध्यान दूंगा, मैं सीखूंगा किसी से पूछ के या एक्सरसाइज पूछूंगा, मैं खुद को ट्रेंड कर लूँगा, मैं खुद को प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ भाई ये डाइट होती है, ये चीज़ होती है। तो आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ी बहुत मैं अपने घर वालों की थॉट्स भी दिखाऊंगा, उनकी जो मिडिल क्लास फैमिली की सोच होती है ना वो मेरे को अब भी रोकते हैं, ये चीज़ हम नहीं करनी है, वो नहीं करनी है, बट भाई मेरे को ये लगता है कि हाँ मैं अब भी जीत करके वो काम करूँगा जो मेरे को करनी है, समझ रहे हो। वो सोचते हैं, वो उन्हें सोचने दो, उन्हें हम समझाएंगे, वो समझ जाएंगे, वो अभी नहीं समझेंगे, और मैं कुछ कर नहीं पाया तो वो समझेंगे भी नहीं, हमेशा कोसते रहेंगे, तू साले बर्बाद कर देता मैं, अगर मैं जिद करके अब कर लूँगा तो उन्हें हाँ लगेगा कि हाँ लड़के ने सही किया था, हम उसकी बात मान रहे थे, नहीं मान रहे थे, वो कहेंगे जो भी कहेंगे एक्सपाइज़ेड बटे के। आपको बहुत सारी चीज़ें इस चैनल से सीखने को मिलेंगी, बहुत सारा इंटरटेनमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो बाकी और चैनलों पर जो काम हो रहे हैं वो भी हमारे चैनल पर देखेंगे बहुत जल्द। और भाई एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार, एकदम से मेल खड़ी नहीं होती यार, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है यार, ठीक है। तो टेक केयर, बाय, खुदा हाफिज़, लव यू। इंतजार है उस वक्त का जब घूमूंगा मैं कार में, जो मुझे लेना है खुद के कमाई के आधार पे, बाजार में जो चीजें आज महंगी है मुझसे फार है, पनौती चुनौती बनके मुझ पे सवार है, दीवार ही दीवार है, दरार ही दरार है, कामयाबी फरार है, हाँ सब कुछ बेकार है, जिंदगी में हर एक चीज में मेरे दिक्कत है, बैटिंग करने मिलती है तो पहले बॉल पे विकेट है।